two masses M1 and M2 connected by means of a string which is made to pass over light smooth pulley are in equilibrium. और एंगल आपका दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 30 एंड अल्फा इज इक्वल टू 60. रेशियो ऑफ मासेस क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इस सिस्टम में ये रेस्ट पे है तो नेट पे जो फोर्स होगा सिस्टम पे जीरो होगा. यानी कि अगर मैं देखूं तो इधर की तरफ जो फोर्स जितना इफेक्ट दे रहा है मोशन को, यानी कि उतना ही ये फोर्स इतना दे रहा होगा. तो इधर जो m1 पे लग रहा होगा बच्चों को होगा m1 g sin थीटा, और इधर जो लग रहा होगा वो होगा m2 g sin अल्फा. तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से m1 g sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू m2 g sin अल्फा, और g से g कैंसिल हो जाएगा और हमें चाहिए m1 और m2 का रेशियो, यानी कि m1 डिवाइडेड बाई m2, तो दैट इज sin अल्फा डिवाइडेड बाई साइन थीटा. साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, एंड साइन अल्फा कितना है तो अल्फा है 60, तो साइन अल्फा इज रूट 3/2 एंड साइन 30 इज 1/2, सो इट इज रूट 3/1 और ऑप्शन डी आपका बच्चों करेक्ट हो जाता है यहाँ पर.